अतिक्रमण की आड़ में धर्म का धंधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि खबरों में क्या कुछ खास है। चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे खबरों में क्या कुछ खास है। देखिए, सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्ट्रक्चर पर क्यों बुलडोजर चला है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। आखिर बुलडोजर कार्रवाई क्यों हुई है, क्या पहले से नहीं कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको टीपी पर भी दिखाएंगे खबरें। सोमनाथ में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई क्या हुई है, कितनी बुलडोजरों ने मिलकर यह कार्रवाई की है। सोमनाथ में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे 1400 पुलिस वालों ने कैसे खाली कराई 320 करोड़ की जमीन, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं कि 320 करोड़ की जमीन, कितने अवैध मस्जिद मजार और दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया और आखिर क्यों कर दिया गया, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि आखिर ये भारत की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक कैसे हुई। आज गुजरात में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। सोमनाथ में अवैध निर्माण को साफ किया गया। इस सफाई अभियान में वो ढांचे भी आए जो धर्म की आड़ को लेकर खड़े किए गए थे, जो धर्म की आड़ में अवैध तरीके से खड़े हुए थे, आज उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और न सिर्फ बुलडोजर एक्शन हुआ बल्कि अब तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। इसे बुलडोजर स्ट्राइक भी कहा जा सकता है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जिला प्रशासन ने अवैध मस्जिद निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस के क्षेत्र के पीछे की 9 अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस के पीछे असामाजिक तत्वों की ओर से कई अतिक्रमण किए गए थे, यानी कि जमीन को कब्जाया हुआ था। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब बुलडोजर एक्शन हुआ और अवैध निर्माण जो थे, जो धर्म की आड़ लेकर खड़े हुए थे, उनको हटा दिया गया। इस पर सियासत भी देश में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस निर्माण को ध्वस्त करने से पहले नोटिस जारी किया गया था, उसके बावजूद कब्जा धारक अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। ये बुलडोजर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो वहां पर खड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 58 से ज्यादा बुलडोजर एक साथ गरजे हैं। 2 दिन तक कार्यवाही चली है, बुलडोजर कार्यवाही। इसके कारण प्रशासन के पास ध्वस्तीकरण अभियान चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जब लोग वहां से कब्जा धारकों को नोटिस मिलने के बाद वो नहीं हटे। देश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि कल देर रात तक यह कार्रवाई चली। भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद सोमनाथ में काफी लोगों ने अफवाह फैलाई, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने लोगों को समझाने के बाद डिमोलिशन किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो 58 बुलडोजर वहां पर गरजे। इस दौरान 9 अवैध मस्जिद मजारों को, मदरसों को गिराया गया और 45 पक्के मकान, इनको भी तोड़ दिया गया। सोमनाथ के एसपी मनोहर सिंह जडेजा ने कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध निर्माण थे वो हटाए गए हैं और फिलहाल पूरे इलाके में शांति है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए पूरा विस्तार से बताएंगे कितनी जमीन खाली कराई गई, कैसे कैसे खाली कराई गई। देखिए आपको बताते चलें कि 15 हेक्टेयर जमीन
खाली कराई गई है। प्रशासन के लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। पुलिस के मुताबिक पूरे शहर में माहौल शांतिपूर्ण है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान हुई बुलडोजर कार्रवाई से 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन के अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। इसकी कीमत लगभग 320 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके पीछे कारण क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। आखिर इसका डिमोलिशन क्यों किया गया है, आखिर सरकार की क्या प्लानिंग है, हम आपको आज अपने इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। ग्राफिक में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि डिमोलिशन के बाद कोई भी अनहोनी घटना ना हो इसको रोकने के लिए अवैध निर्माण वाले जगह को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सोमनाथ के भिड़िया सर्कल और गुडलक सर्कल जो दोनों रास्ते हैं वहां से जो प्रवेश है उस पर बैरिगेट लगा दिए गए और पूरी सड़क पर जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया और वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी व्यवस्था को बनाने में लगभग 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। अधिकारियों ने आज बताया कि आज सुबह हुए तक चले डिमोल्यूशन में 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जिसमें आईजी रेंज के 3 अफसर, 3 एसपी, 4 डीएसपी, 12 पुलिस इंस्पेक्टर, 24 पीएसआई भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 130 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है जो मौके पर पहुंचकर हल्ला, शोर या फिर कोई असामाजिक काम कर सकते थे उनको हिरासत में लिया, जिसके बाद डिमोल्यूशन काम लगातार जारी रहा। ऐसा सामने आया प्रथम दृष्टांत कि ये लोग डिमोल्यूशन के काम को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इलाके में शांति है और ये लोग इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं। इस डिमोल्यूशन को सोमनाथ का अब तक का सबसे बड़ा डिमोल्यूशन माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही सारे अवैध निर्माण हटाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में भी कॉरिडोर बनना है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और यही सबसे बड़ा कारण रहा जिसके चलते यहां पर देश की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, ऐसे में इस डिमोलिशन के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सवाल यह है कि एक साथ 14 अवैध मस्जिद और कई अवैध घरों को क्यों तोड़ा गया? सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई पर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों हो रहा है? क्या यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर नहीं हो रही है? तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कह रही है, गुजरात सरकार की तरफ से बात सामने आई कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसको जो आदेश मिला है उस आदेश का वो पालन कर रही है। चलिए अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर, देखिए पहली तस्वीर आक्रमण पर, अतिक्रमण पर आक्रमण, जो अतिक्रमण क्या हुआ था उस आक्रमण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी आपको ये टीवी पर हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। कार्रवाई का विरोध भी लोग करते हुए नजर आए, अपने मोबाइल जलाए। आखिर मोबाइल क्यों जलाए हैं, आखिर इनको किसने उकसाया, वो कांग्रेस नेता कौन है जिसने इनको उकसाया कि जब बुलडोजर सामने आए तो तुम खड़े हो जाना, आखिर वो नेता कौन है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, देखिए एक के बाद एक लगातार बुलडोजरों की लंबी फेरिस्त, लंबी लाइन, ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। देखिए तस्वीर है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है, धर्म की आड़ लेकर जो अवैध निर्माण वहां खड़ा हुआ था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पीछे का कारण मैंने आपको बताया, जिस तरीके से कि जिस तरीके से उज्जैन कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना है, वैसे ही यहां पर भी कॉरिडोर बनना है जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये काम वहां पर हो रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। चलिए तो ये भारत की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की दो तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ हजारों की संख्या में लोग मोबाइल टॉर्च लेकर खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, और दूसरी तरफ
जी देखिए, अब मैं आपको ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक तस्वीर जहां अतिक्रमण पर आक्रमण और दूसरी तरफ कार्रवाई का विरोध। सबसे बड़ी बात यह कि यह कार्रवाई का विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर किसने इन लोगों को इस जो अदालत के आदेश पर कार्रवाई हो रही है इसके लिए किसने इनको उकसाया, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये लोग उकसाने में आए और वहां पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को संभाल लिया, वहां पर मामला पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जिला प्रशासन ने अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस क्षेत्र के पीछे की 9 अवैध मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि 1400 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 9 अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस क्षेत्र के पीछे अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। गिर सोमनाथ के पुलिस अधीक्षक SP मनोहर सिंह जडेजा ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहां चलाया गया अभियान? SP जडेजा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस के पीछे असामाजिक तत्वों की ओर से कई अतिक्रमण किए गए थे। हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है। हमने 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 9 अवैध धार्मिक ढांचों को किया ध्वस्त। गिर सोमनाथ के कलेक्टर दिग्विजय सिंह जडेजा ने बताया कि अभियान के दौरान 9 अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जा धारक अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। इसके कारण प्रशासन के पास ध्वस्तीकरण अभियान चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 320 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन कराई खाली। कलेक्टर ने कहा कि 9 धार्मिक ढांचों और 45 कमरों का इस्तेमाल मुसाफिर खाने के तौर पर किया जा रहा था। अनुमानित 320 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को नियमानुसार खाली करा लिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आज सुबह शुरू की गई और 102 एकड़ जमीन पहले ही खाली कराई जा चुकी है। हमने 2 दिनों के भीतर ये अभियान पूरा कर लिया। 58 बुलडोजर समेत फोर्स भी थी तैनात। प्रशासन ने बताया कि इस कार्य में 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोजरों, 2 हाइड्रा क्रेनों, 5 ट्रक, 2 एम्बुलेंस और 3 दमकल गाड़ियों को शामिल किया गया। वरिष्ठ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ 788 पुलिसकर्मियों और राज्य रिजर्व बल SRPF के जवानों को तैनात किया गया था। इस अवसर पर 3 पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 12 निरीक्षक, 24 उपनिरीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। जैसे ही इस कार्रवाई की भनक कुछ असामाजिक तत्वों को लगी तो एक आवाज आई, दरगाह कब्रिस्तान बचाना है, बुलडोजर आए तो सामने लेट जाना। ये भड़काऊ शब्द हैं कांग्रेस नेता और विधायक के। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध कब्जे पर कार्रवाई रोकने का प्लान बनाया था। लैंड जिहाद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता अमित चावड़ा और कांग्रेसी विधायक विमल चस्मुंडा ने लोगों को भड़काया।
चुस्माना ने कहा कि अगर अवैध इबादत गाहों पर एक्शन लेने बुलडोजर आए तो उनके सामने लेट जाना। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसे लोग किस तरीके से समाज के लिए घातक होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर की जमीन पर हुए कथित लैंड जिहाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी जमीन को खाली करवाया। अवैध तौर पर बनी मस्जिदों, दरगाहों और मजारों पर ये कार्रवाई लगभग एक महीने की जांच के बाद शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी इस एक्शन के विरोध में उतर आई। गुजरात के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने प्रशासनिक कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक अमित चावड़ा ने अवैध इबादतगाहों को तोड़ने का विरोध अपने एक्स हैंडल के जरिए बयान से किया है। शनिवार को उन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, विकास के नाम पर बुलडोजर की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। वेरावल में सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद शासकों के द्वारा धार्मिक स्थानों, घरों पर बुलडोजर चला करके डर भय का शासन प्रस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। शासकों द्वारा संविधान को तार तार कर मनमानी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्यवाही के बाद कब्जेदारों के बजाय सरकारी कार्यवाही में ही कमी निकालनी शुरू कर दी है। हालांकि ध्वस्तीकरण के इस एक्शन का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं है। भले ही एमएलए अमित चावड़ा संविधान का हवाला देकर अत्याचार का रोना रो रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि वहां कई वर्षों से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रशासन का भी दावा है कि कार्रवाई एक महीने की जांच के बाद जरूरी नियमों के तहत हुई है। कांग्रेस एमएलए ने मुस्लिमों को भड़काया। लैंड जिहाद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अमित चावड़ा की ही तरह एक और कांग्रेसी विधायक विमल चुस्माणा के भी विचार हैं। अवैध इबादत गाहों पर एक्शन के बाद विमल चुस्माणा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच गए और लोगों को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा, जब कोई बुलडोजर लेकर आए तो अपना मोबाइल फोन ऑन करके उसके आगे लेट जाना। कांग्रेस विधायक के इस भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके साथ मौजूद मुस्लिमों की भीड़ तालियां बजाकर विमल चुस्माणा की वाहवाही कर रही है। विमल चुस्माणा ने मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर के जैसा ही बताया। उन्होंने दावा किया कि मोबाइल ऑन करके लेटने के बाद बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी दौरान कांग्रेस एमएलए ने कहा, हमें क्या बचाना है? इसके जवाब में सामने मौजूद भीड़ कहती है, दरगाह। लोगों की नारेबाजी और उकसाते हुए विमल चुस्माणा ने कहा, हमें दरगाह और कब्रिस्तान बचाना है। कांग्रेसी ने अपने बयान में आगे हिंदुओं को भी भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आज दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है तो कल मंदिर को भी गिराया जाएगा। इन बातों के साथ कांग्रेस एमएलए ने खुद को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैरोकार साबित करने का प्रयास किया। लोगों को भड़काने के लिए कुख्यात है
विमल चुस्माडा। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस विधायक विमल चुस्माडा ने ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की हो। कुछ समय पहले भी सोमनाथ क्षेत्र में कई अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया था, तब भी उन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की थी। तब विमल चुस्माडा ने प्रशासन को उल्टा करने के लिए धमकाया था। जब प्रशासन सोमनाथ मंदिर की मुख्य सड़क और उसके आसपास मौजूद अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा था, तब विमल चुस्माडा ने प्रशासन को उल्टा करने की धमकी दी थी। और एक बार फिर विमल चुस्माडा का ये भड़काऊ बयान सामने आया। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। विमल चुस्माडा और अमित जैसे कांग्रेसी नेता क्यों आखिर सोमनाथ में धार्मिक उत्पाद फैलाना चाहते हैं? हमने आपको शुरू में दो तस्वीरें दिखाई थी। एक तरफ तस्वीर में हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही हो रही है, इसे कह सकते हैं अतिक्रमण पर आक्रमण। तो दूसरी तरफ जो इसका कार्यवाही का विरोध कर रहे थे वो लोग, क्या अमित विधायक अमित जो कांग्रेस से विधायक हैं उनके कहने पर ये भीड़ जमा हुई वहां पर? आखिर क्यों ऐसे लोग सरकारी कामकाज में गलती करने के बाद रोड़ा अटकाते हैं? आखिर क्यों ऐसे लोग समाज में सामाजिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं? ये दो तस्वीरें इस बात की वानगी पेश कर रही हैं कि कोई भी हो सरकार के खिलाफ या फिर कानून के खिलाफ कोई भी अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की तारीफ वहां पर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही अब सोमनाथ में भी, गिर सोमनाथ में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें कुछ दिन पहले बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि बिना बताए और बिना सरकार, बिना अदालत के आदेश के बिना कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि यह पूरी कार्रवाई नियमानुसार हुई है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है कि जो भी यहां पर कार्रवाई हुई है वो शासन के अनुसार हुई है, शासनादेश के अनुसार हुई है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है और इसमें किसी के भी जान माल की हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।